मैं नीता देवलिया, योग विभाग, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा से। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है घेरण संहिता का सामान्य परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। घेरण संहिता हठयोग का मुख्य ग्रंथ है और इसकी रचना लगभग 17वीं सेंचुरी की आसपास की मानी जाती है। और घेरण संहिता जो है एक कॉन्वर्जेशन बुक में है, जिसमें कि महर्षि घेरण और राजा चंड कपाली का संवाद वहां पर है और उसी संवादात्मक रूप में हमें वो हमारे उपलब्ध है जो ग्रंथ है। और यदि हम बात करें तो इसमें जो राजा चंड कपाली को महर्षि घेरण है वो घटस्थ योग का उपदेश उसमें देते हैं। तो जो ये घेरण संहिता है इसे घटस्थ योग भी कहा जाता है। महर्षि घेरण इसमें चर्चा करते हैं, जो हमारा हठ योग का ग्रंथ है घेरण संहिता में, एक वो माया के लिए बताते हैं। वो कहते हैं कि जो माया अर्थात जो अविद्या है उसके समान इस विश्व में और कोई पाप नहीं है, और योग से बढ़कर कोई बल नहीं है, ज्ञान से बढ़कर कोई बंधु नहीं है, क्योंकि ज्ञान को वो मित्र समान मानते हैं और अहंकार को शत्रु रूप में मानते हैं। तो वे कहते हैं कि अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। इस तरीके से ग्रंथ की शुरुआत वो करते हैं, जिसमें वे उपदेश देने से पूर्व बताते हैं कि योग के अभ्यास से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब उस तत्व ज्ञान की चर्चा करने से पहले वे बताते हैं, दो प्रकार के कर्म बताते हैं। एक है सुकृत कर्म, जो कि स्वर्ग की ओर ले जाता है, और एक होता है दुष्कृत कर्म, जो नर्क की ओर लेकर जाता है। और कहते हैं कि जो ये दोनों है कर्म है, इनके कारण ही जो मनुष्य होता है वो पुनः पृथ्वी लोक को प्राप्त होता है। साथ ही साथ वे बताते हैं जिस प्रकार अग्नि कच्चे घड़े को पकाकर मजबूत और स्थिर करती है, क्योंकि जो कच्ची मिट्टी होती है वो भट्टी में तपने के बाद अगर हम बोलें तो और ज्यादा मजबूत होती है। घड़े जो मिट्टी होती है, जो घड़ा होता है, उसकी मजबूती और ज्यादा बढ़ती है। उसी प्रकार से जो योग रूपी अग्नि होती है इससे जीर्ण शरीर, वो शरीर की बात करते हैं कि योग से शरीर को तपाकर वो यहाँ पर शरीर को घट की संज्ञा देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि घट की शुद्धि करनी चाहिए, और करने का माध्यम वो यहाँ पर योग रूपी अग्नि को बताते हैं। तो यहाँ पर वो योग का उपदेश देते हैं। यहाँ पर उन्होंने इस जो ग्रंथ है इसमें 7 प्रकार के साधनों की चर्चा की गई है, तो इसलिए इसे सप्त साधन भी कहा जाता है। मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूंगी कि जो घेरण संहिता है उसे सप्तांग योग, या फिर हम कह सकते हैं सप्तांग भी कहा जाता है, और साथ ही साथ इसे घटस्थ योग भी कहा जाता है, क्योंकि जो घट रूपी हमारा शरीर है उसकी शुद्धि के लिए यहाँ पर जो अभ्यास उन्होंने बताया है। तो इनकी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं षटकर्म का जो अभ्यास होता है उससे शोधन होता है, और जो आसन का अभ्यास होता है उससे शरीर में दृढ़ता आती है। साथ ही साथ मुद्रा से स्थिरता आती है, प्रत्याहार से धैर्य, और प्राणायाम से लाघवम, लाघवम यानी हल्कापन आता है, ध्यान से प्रत्यक्ष आत्मा यानी कि जो हमारा आत्मा होता है उसका साक्षात्कार होता है। साथ ही वे कहते हैं कि जो समाधि होती है उससे निर्लिप्तता आती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैवल्य का भाव या फिर वैराग्य की स्थिति, किसी भी चीज में लिप्त जो साधक होता है वो नहीं रहता है। इस प्रकार से वो घर शुद्धि के लिए 7 प्रकार के साधन बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जो पहला हमारा प्रकरण है घेरण संहिता में वो है षटकर्म यानी शोधन का। यहाँ पर वे शरीर की शुद्धि के लिए 6 प्रकार के, क्योंकि षटकर्म है तो 6 प्रकार के कर्म बताते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कर्म है वो है धौती। धौती का अगर हम घेरण संहिता के अनुसार देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं, अंतर्धौती, दंत धौती, हृद धौती और मूल शोधन। मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा यहाँ पर नहीं करूंगी, और इसी के ही कुछ और भी प्रकार इसमें बताए गए हैं, इन्हीं के ही कुछ सब पार्ट यहाँ पर उन्होंने चर्चा की गई है, जिसका कि अलग से आपका विषय रहेगा धौती का। अगला हम बात करें, अगली जो हमारी शोधन क्रिया है वो है वस्ति। यहाँ पर वस्ती में वो 2 प्रकार की वस्ती बताते हैं, जल वस्ती और शुष्क वस्ती। और तीसरा जो षटकर्म में वे बताते हैं नेति का, चौथा लौली की जिसे कि नौली क्रिया भी कहा जाता है, और पांचवा है त्राटक, और छठे कर्म में बताते हैं कपालभाति। यहाँ पर कपालभाति के 3 प्रकार के भेद उन्होंने बताए हैं। ये हमारा षटकर्म का जो था डिटेल था। और अगर अभी हम बात करेंगे यहाँ पर दूसरे साधन की, जो द्वितीय प्रकरण है उसमें आसन के वर्णन यहाँ पर किया गया है। आसन से पूर्व में ही हमने अभी जाना कि आसन से दृढ़ता आती है, तो यहाँ पर महर्षि घेरण 32 आसनों की चर्चा करते हैं, जिनका नाम मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। एक है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन,
गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, अगला है मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन, मश्चेन्द्रासन, गोरक्षासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, ये 22 आसन है। और जो अगले हैं, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, और अंतिम जो आसन है वो ही योगासन। तो इसमें इस प्रकार से 32 जो आसन में बताते हैं, इसमें ध्यानात्मक आसन भी शामिल है आपने देखा, और कुछ हमारे सामान्य अभ्यास भी है, और कुछ थोड़ा सा उच्च स्तरीय अभ्यास भी उन्होंने यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है। जो आसन का प्रकरण है इसमें उन्होंने आसन के नाम, आसन की लाभ और सावधानियों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारी शारीरिक दृढ़ता, क्योंकि आसन के अभ्यास से दृढ़ता आती है। जहां पर इन्होंने 32 आसनों का वर्णन किया है उससे पूर्व ही ये कहते हैं कि आसन जितनी प्रकार की योनियां होती हैं, ये माना जाता है कि 84 लाख योनियां होती है, तो उतने ही प्रकार के आसन होते हैं जितने जीव जंतु होते हैं, परंतु यहाँ पर वो विशिष्ट आसनों की केवल चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा प्रकरण है, तृतीय प्रकरण, वो है मुद्रा का। मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता आती है। यहाँ पर घेरण संहिता में 25 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। महर्षि घेरण के अनुसार इन्हें गोपनीय रखना चाहिए, इन्हें जो है बताना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शक्तिहीन हो जाती है। जिसमें इन्होंने मुद्रा बंध के अभ्यास में 16 मुद्रा, 4 बंध और 5 प्रकार की धारणा का वर्णन किया है। अब अगर हम बात करते हैं चतुर्थ प्रकरण की, तो प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अभ्यास करने से धैर्य यानी धीरता आती है, सप्त साधनों में से एक। यहाँ पर जो प्रत्याहार का अभ्यास है वो इंद्रियों और मन को, जो हमारे बाह्य विषय होते हैं, उनसे हटाकर आंतरिक करना बताया गया है। और ये जो अभ्यास होता है प्रत्याहार का, ये मन को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाता है, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो अगर बाहर की तरफ हैं, सामान्य रूप से अगर मैं बताऊं कि जैसे हमारी जो आंखें हैं वो बाहर के विषयों को देख रही हैं, हमारे कान हैं बाहर के विषयों को सुन रहे हैं, जिह्वा जो स्वादिंद्रिया है वो बाहर के विषयों में है, तो इन्हीं सारी जो हमारी इंद्रियां हैं इनको अंतर्मुखी करना, ताकि विषयों के प्रति आसक्ति हमारी हटे और जो हमारा मन हो वो बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी हो, जिससे साधक धीरता की प्राप्ति करता है। यानी कि जो चतुर्थ प्रकरण है प्रत्याहार का, उससे अभ्यास से धीरता आती है। अगर हम बात करेंगे अगले प्रकरण की, पंचम प्रकरण की, तो उसमें प्राणायाम का वर्णन किया गया है। यहाँ पर 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, और प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में हल्कापन यानी लाघवम आता है। लाघवम यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु प्राणायाम की शुरुआत से पहले ही वे बता देते हैं, प्राणायाम की चर्चा करने से पूर्व ही वे बताते हैं कि स्थान आपको, योग का जो स्थान है वो कैसा आपका होना चाहिए अभ्यास के लिए, विशेष प्रकार की कुटी बनाकर। वहीं वे कहते हैं कि जो काल निर्धारण होता है, वे कहते हैं कि बसंत और शरद में योग का अभ्यास हमें करना चाहिए। साथ ही वे मिताहार की चर्चा करते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि सुमधुर स्निग्ध और सूरज भोजन, आधा पेट भोजन करना चाहिए, और जो इसका आधा बचा हुआ भाग है इसमें 1/3 जल के लिए और 1/3 जो चौथा बचा हुआ हिस्सा है उसे हमें वायु के लिए खाली रखना चाहिए। इस प्रकार से वे मिताहार की भी चर्चा इसमें करते हैं, जिसके अंतर्गत फिर वे पथ्य और अपथ्य यानी कि जो योग साधक है उसे कौन सा आहार लेना चाहिए जो उसकी साधना के लिए हम कह सकते हैं कि एक तरीके से सहयोगी रहेगा, उसकी साधना को उसकी ओर अग्रसर करेगा, और कौन सा आहार उसे नहीं लेना चाहिए, यानी वर्जित जो बताया गया है योग साधना के अंतर्गत। तो पंचम प्रकरण में इन सारे विषयों पर उन्होंने चर्चा की है, और काफी डिटेलिंग में उन्होंने यहाँ पर बताया, जिसकी चर्चा हम अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उन्होंने अभ्यास से पूर्व, प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया, जो उन्होंने नाड़ी शुद्धि के लिए सबसे पहले उन्होंने कहा है कि दो प्रकार से नाड़ी शुद्धि की जा सकती है, नाड़ी शोधन, एक सुमनु और दूसरा निर्मनु। सहित प्राणायाम रोग का नाश करता है। जो सहित प्राणायाम है उसमें उन्होंने बोला है कि सभी रोगों का नाश करता है, और इसके इन्होंने दो भाग बताए हैं। एक बताया है सगर्भ, जो उन्होंने बीज मंत्र के साथ बताया है, और दूसरा है निगर्भ। निगर्भ बीज मंत्र रहित है, क्योंकि उसमें किसी बीज मंत्र का अभ्यास के दौरान बीज मंत्र का अभ्यास नहीं करना है। जो अगले अगर हम प्राणायाम की बात करते हैं, क्योंकि पहला प्राणायाम सहित प्राणायाम है, और दूसरा जो है वो है सूर्यभेदी, तीसरा है उज्जायी, चौथा है शीतली, पांचवा है भस्त्रिका,
फिर है भ्रामरी और सातवा है मूर्छा और अंतिम में वे बताते हैं केवली प्राणायाम, यानी कि यहाँ पर वो केवल कुंभक की चर्चा करते हैं। प्राणायाम के केवल प्राणायाम के प्रकरण में हम इन प्राणायाम की चर्चा अपनी अगली वीडियोस में आपसे करेंगे। अब हम यहीं पे बात करेंगे क्योंकि सामान्य परिचय घेरण संहिता का पहले हम जान लेते हैं, जो हमारा षष्टम यानी कि जो छठा प्रकरण है उसमें भी ध्यान के बारे में बताते हैं। तीन प्रकार के ध्यान बताते हैं और ध्यान का अभ्यास करने से प्रत्यक्षता आती है, यानी कि आत्म साक्षात्कार हम कह सकते हैं कि होता है, जिसमें वे बताते हैं ध्यान के अभ्यास के लिए। एक तो स्थूल ध्यान, जिसमें वे स्थूल रूप से ध्यान करने का अभ्यास उन्होंने विधि बताई है उसमें, एक है गुरु का ध्यान वे इसमें बताते हैं, और दूसरा ज्योति ध्यान जिसे कि तेजो ध्यान भी कहा जाता है उसका वर्णन उन्होंने किया है, और जो तीसरा है वो है सूक्ष्म ध्यान। इसमें जब वे श्रेष्ठता का क्रम अगर बताते हैं, वे कहते हैं कि जो स्थूल ध्यान होता है स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ तेजो ध्यान, जो हमने दूसरा ज्योति ध्यान बोला था वो होता है, और जो तेजो ध्यान है इससे लाख गुना जो श्रेष्ठ होता है वो सूक्ष्म ध्यान, यानी कि यहाँ पर जो सबसे श्रेष्ठ ध्यान है वो सूक्ष्म ध्यान इन्होंने बताया है। ये ध्यान का अभी हमने जाना, और जो इसमें अंतिम प्रकरण है सप्तम प्रकरण वो है हमारा समाधि का। वे कहते हैं कि जो समाधि है, समाधि के जितने प्रकार हैं इनका अभ्यास करने से साधक में निर्लिप्तता आती है, यानी कि किसी विषय में वो फिर निर्लिप्त नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति। और अगर हम बात करेंगे समाधि के अभ्यास की, तो वे सभी प्रकार की जिन समाधियों का 6 प्रकार के समाधियों का वर्णन करते हैं, वे कहते हैं कि साधक जब इनका अभ्यास करता है तो ये जो अंग है इसे राजयोग, जो राजयोग है उसके अंतर्गत इसको मानना चाहिए ये जो अभ्यास है। क्योंकि हमने बोला जो शुरुआत में मैंने बात अपनी शुरू करी थी, कहा था कि जो हठयोग है, हठयोग ग्रंथ है, क्योंकि हठयोग का जो मुख्य ग्रंथ है वो हमारा घेरण संहिता है। तो यहाँ पर जो सप्त साधन है कहीं ना कहीं वो हठयोग का अभ्यास बताया गया है इसमें, परंतु जब हम समाधि के बारे में जो सप्तम प्रकरण है उसकी चर्चा करते हैं तो ये हाइयर स्टेज हम मानते हैं, क्योंकि बेसिक से हाइयर स्टेज की ओर हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हठयोग का जो उद्देश्य होता है वो होता है राजयोग की प्राप्ति। तो यहाँ पर जो सातवां प्रकरण प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि ये जो विषय है, जो ये समाधि के प्रकार है, ये हमारी राजयोग की अवस्था यहाँ से प्रारंभ हो गई है। तो इसके अंतर्गत वे कौन कौन सी समाधि बताते हैं, एक है ध्यान योग जो कि शांभवी मुद्रा के अभ्यास से सिद्ध होती है, दूसरी है नाद योग समाधि जो कि भ्रामरी मुद्रा से सिद्ध होती है, तीसरी है रसानंद योग जो खेचरी मुद्रा के अभ्यास से सिद्ध होती है, चौथी है लय सिद्धि योग जो योगी मुद्रा के अभ्यास से सिद्ध होती है, पांचवा भक्ति योग समाधि, ये भक्ति योग द्वारा सिद्ध की जा सकती है, और जो अंतिम है राजयोग समाधि, और जो राजयोग समाधि होती है वो मनोमूर्छा कुंभक द्वारा सिद्ध होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि ये जो समाधि होती है, 6 प्रकार की समाधि होती है, इनका अभ्यास करने से साधक निर्लिप्त भाव में रहता है, और साथ ही साथ वो राजयोग की स्थिति को प्राप्त करता है, यानी कि राजयोग का उसका अभ्यास यहाँ से प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार अब हमने जाना कि जो हमारे सप्तांग योग है इसमें जो 7 प्रकरण है, जो 7 अंग है, वो किस किस प्रकार से वर्णित है हमारी घेरण संहिता में। अगली जो हमारी श्रृंखला रहेगी उसमें हम इनका डिटेल, जो और ज्यादा डिटेल है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और एक एक विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।